नमस्कार दोस्तों, आप ही देख रहे हैं मेरे हाथ में ये है नारियल का पानी। पीने के बाद हम इसको ज़्यादातर हम फेंक देते हैं और इससे डस्टबिन बड़ा भारी भी हो जाता है, भर जाता है, या तो उसके बाहर रखते हैं या हम इसको डस्टबिन में डालते हैं। तो ये बिना मतलब के ये सड़ता है, वेस्टेज है और इसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम मैं आज इस क्या करूँगी कि हम इसको अपने कुछ छोटे पौधे जो हैं उनके लिए इसको हम गमले के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज अ पॉट यूज़ कर सकते हैं। और ये एकदम ऑर्गेनिक नेचुरल पॉट हमारा रहेगा क्योंकि ये नेचुरल चीज़ का है ना, ये नेचुरल है, कोकोनट है, कच्चा कोकोनट जो होता है। तो पानी पीने के बाद अक्सर हम इसको फेंक देते हैं। तो मैं इससे पहले भी एक इसको यूज़ कर चुकी हूँ, इसमें मैंने कुछ जो है पर्पल हार्ट कटिंग्स लगाई हैं। तो जो जिन पौधों को छोटी छोटे गमले की ज़रूरत होती है, जो छोटे गमले में हो जाते हैं, वो हम इसमें प्लांट कर सकते हैं। तो इसको हम चाकू से इसका मुंह जो है वो पूरा खोल लेंगे, पूरा साफ़ कर लेंगे, जितना हो सकता है हम इसको इसका जो एक कच्चा मटेरियल है उसको अंदर तक काट लेंगे। ये मैंने 2-3 दिन से रखे हैं इसलिए अंदर से थोड़े ख़राब ख़राब हो गए हैं, अगर आप साथ साथ काट लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैंने 2-3 दिन से रखे हुए हैं, अब मैं इनके जितना हो सके इसको पूरा अच्छे से काट लेती हूँ। उसके बाद इसमें आप चाहें तो इसमें बीच में छेद भी कर सकते हैं, मैंने इसमें बिना छेद के किया है। इससे पहले मैंने जो 2 किए थे उनको चाकू से आप बीच में से खड़ा करके थोड़ा सा उसको गोल गोल घुमाइए, उसके बाद पेचकस की हेल्प से हो जाता है, क्योंकि बहुत हार्ड तो होता है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता कि हम इसमें छेद ना कर पाएँ। तो उन दोनों में मैंने छेद किए थे लेकिन इसमें मैं छेद नहीं करूँगी, ठीक है, ये बिना छेद के ही मैं इसको यूज़ करूँगी। इसको जितना हो सके इसका अंदर का ये जो पोर्शन है उसको आप साफ़ कर लो, गहरा हो, इससे क्या होगा पॉट का साइज़ बढ़ जाएगा और थोड़ा सा ये सिकुड़ भी जाता है सूख के। तो ये जो है इसका मुंह हम जितना खोल लेंगे चाकू से, हम जितना कर सकते हैं उतना साफ़ कर लेंगे। घर में अगर आपके पास बड़ा चाकू है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसको जितना हो सके आप पूरा साफ़ कर लो अंदर से, इसको मैं अच्छे से खुरच के पूरा साफ़ कर लिया है मैंने। इसमें बीच में ऐसे चाकू घुमा के आप छेद कर सकते हैं अगर करना है तो। इसमें मैं छेद नहीं करूँगी, इसमें ज़रूरत नहीं है छेद की, जो मैं कटिंग लगाऊँगी वो बिना छेद के भी हो जाती है। पानी अगर आप बिना छेद के पॉट में पानी वो लगाते हैं तो पानी उसी हिसाब से डालिए, कई दिनों बाद उसमें फिर पानी डालिए तो उसमें जब वो पूरा सूख जाए। तो मेरा जैडे प्लांट जो है वो मैंने मग में लगा रखे हैं और वो चल रहे हैं बहुत अच्छे, छोटे टूटे हुए कप में कटिंग लगाई थी वो बहुत अच्छी चल रही है, ब्रांच भी आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी पौधों को छेद की ज़रूरत होती है, पानी आप बैलेंस डालिए। अब इसमें मैं पूरी मिट्टी भर दूंगी और मिट्टी इसमें खूब अच्छे से दबा दबा के अच्छे से भरनी होती है, जिससे कि जब ये जो अंदर इसका पल्प है ये थोड़ा गल जाता है तो मिट्टी लूज़ हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। तो चारों तरफ से मैं ऐसे इसकी हेल्प से अच्छे से खूब अच्छे से दबा दबा के इसको भर दूंगी, देखिए। और अब इसमें मैं ये कटिंग लगा दूंगी। आप इनको चाहे तो हैंगिंग पॉट भी बना सकते हैं, किसी चीज़ से लटका सकते हैं चारों तरफ, या तो छेद कर लीजिए, नहीं छेद करने हैं तो नीचे की तरफ से भी बांध के इसको आप लटका सकते हैं, हैंगिंग पॉट भी बन जाता है। एक नेचुरल पॉट हमारा तैयार हो गया है, बहुत अच्छी इसकी कटिंग हो गई। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, इससे पहले मैंने 2 इस तरह से पॉट बना रखे हैं और एक और मेरे पास नारियल है वो मैंने फेंका नहीं रखा हुआ है, उसको भी मैं इसी तरह से कटिंग बना लूँगी, इसकी कटिंग लगा के ऐसे ही पॉट बना लूँगी। ये बहुत अच्छी इसमें कटिंग चलेगी। अगर ये मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और इस तरह से ये जो ये इस तरह के नारियल के ये खुल यूज़ करके हम वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। ये चीज़ें हम फेंकते हैं कूड़े में, इनको गलने में सड़ने में टाइम लगता है, हालांकि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। और इसको आप पॉट की जगह पे यूज़ करिए, छोटी छोटी कटिंग्स लगाइए। देखिए ये मैंने इसमें इसकी मिट्टी थोड़ी लूज़ हो गई है, मैंने ऊपर तक भरा था इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दबा दबा के मिट्टी भरनी होती है। इसमें मैं और मिट्टी डाल दूँगी। एक और मैंने पॉट लगा रखा है इसी तरह का, ये रहा, इनमें मैंने छेद भी किया है, ये रहा नीचे की साइड, और ये बहुत अच्छी इसमें तो कटिंग चल गई है अच्छे से, और इसमें भी क्या। इनको आप नीचे की तरफ से भी फ्लैट थोड़ा सा काट सकते हैं, जब आप नारियल लेकर आएँ नीचे से भी कटवा लें जिससे कि ये टिक जाए।